नमस्कार, आप नापंजे देख रहे हैं विराट की बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। खबर रीवा से है, जहां कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल रीवा राजनिवास सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कई के कुछ मुद्दा में चर्चा करें। बताएं कि उमरिया के बांधवगढ़ में रीवा से सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह धरना में बैठी है। वहां के कई साल पुरान मंदिर है, जौन साल में एक दिना जन्माष्टमी का खुला था, पर यह साल नहीं खुला। श्री पटेल कहीं के सरकार बीजेपी की आए और प्रशासन बीजेपी की आए, ओखे बाद बीजेपी विधायक का धरना में बैठे का परत लाग है, यह दुर्भाग्यपूर्ण आए। आई अपना को सुनाई थे कमलेश्वर पटेल का कहीं। हमने तो एक महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बिंदी में जो सूखा का संकट है, बिंदी नहीं बल्कि बुंदेलखंड के भी कुछ ज़िले हैं, आपका मध्य प्रदेश का डिंडोरी ज़िला भी है, आपका शहडोल है, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, उमरिया, कई ज़िले हैं जो बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ के किसान मजदूर सारे लोग परेशान हैं। पानी पीने का संकट जा रहा है, अघोषित बिजली कटौती चल रही है, ट्रांसफार्मर जले हुए बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार की तरफ से वसूली अभियान चल रहा है, नोटिस जारी किया जाता है, लोक अदालत के नोटिस जारी करते हैं और पूरी तरह से वसूली अभियान पर रोक लगानी चाहिए सरकार को, राहत कार्य शुरू करना चाहिए। जो सूखा प्रभावित ज़िले हैं, जहां अल्प वर्षा हुई है, वर्षा हुई नहीं, पानी पीने का संकट है, वहां ये सारी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, जो भी आवश्यक सरकार की तरफ से सूखा में प्रावधान है वो सारी कार्रवाई करना चाहिए। हमने जिला प्रशासन सीधी में कलेक्टर को भी मिलकर इस बात के लिए चर्चा की थी, निवेदन किया था, पर सरकार की तरफ से अभी तक ना ही कोई सर्वे कराए गए हैं और ना ही सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की किसानों को, मजदूरों को लेके कोई चिंता है। ऐसे स्थिति में आंदोलन के लिए आम जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग बाध्य हो रहे हैं। 24 तारीख को हमने बहरी तहसील में सूखा घोषित करने के लिए और साथ साथ बिजली के संकट को लेके, पानी के संकट को लेके, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने जा रही है और ये अभी शुरुआत है। अगर सरकार नहीं चेतेगी, जिला प्रशासन नहीं चेतेगा, तो फिर आने वाले समय में आंदोलन ये रूप ही धारण कर सकता है। समय रहते सरकार को जो सरकार की कमियां हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए और जिस तरह से सरकार का रवैया है जनप्रतिनिधियों को लेके, सबसे पहली बात तो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, विधानसभा है, लोकसभा है, उसकी कार्रवाइयां बिल्कुल नगण्य हो गई हैं और जिसकी वजह से चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक अपनी बात जो सदन में कहते हैं और उसके माध्यम से सरकार के ऊपर जो दबाव बनता है, प्रशासन के ऊपर दबाव बनता है, वो दबाव जब शून्यता की ओर हो जाएगा तो मजबूरी में चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, उनको आवाज़ सरकार की तरफ सुनाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन के अलावा कोई माध्यम नहीं बचता है। पर दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी भी परेशान हैं, उनके ऊपर भी तांडव चल रहा है, लूट खसोट चल रही है सरकार की तरफ से, ठेके दे दिए जाते हैं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की बोली लगा के पोस्टिंग की जाती है। आम जनता के हित के लिए कोई भी प्रयास मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। पूरी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रम के परीक्षा कई दिना से प्राइवेट कॉलेज में चलत लागी। इहाई मेयर की परीक्षा त्योंथर तहसील में होत लागी। परीक्षा में केंद्राध्यक्ष द्वारा खुलेआम परीक्षार्थिन का नकल करवावे के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आई दिखाई थे परीक्षा केंद्र के हाल, जौन के वीडियो में दिखात लाग है। ये देखिए, टीचर ऐसे मोबाइल देते हुए हैं, दे रहे हैं, सारी गतिविधियां। ये देखिए, आधे बच्चे गायब हो गए हैं। खबर रीवा जिला के सिरमौर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक एक ठे बाइक सवार का ठोकर मार दी। एक ठे के हालत गंभीर ही, जेका जिला अस्पताल रेफर कई दिन का है। अतरैला थाना के देवखर के उखमय नदी के पुल की घटना बताई जाती। एक्सीडेंट करे के बाद भागत रहे ट्रक का जदुआ के लगे गांव वाले पकड़ लिहिन हमा। सेमरिया पुलिस मौके में पहुंची के ट्रक ड्राइवर का गिरफ्तार कर लिहिन हमा।
बात करी थे रीवा जिला के, जहां बिछिया पुलिस सरकारी स्कूल में चोरी करे वाले 3 आरोपी का गिरफ्तार कर ली हवा। अपना का बताए दे 26 जुलाई का फरियादी प्राचार्य रामलखन सोनी पिता उग्रसेन सोनी नेहरू नगर थाना समान रीवा बिछिया के रहे वाले बिछिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि सरकारी स्कूल कनौजा के मैदान में लगे बोर से लूबी कंपनी के समरसिबल पंप कागजात चोर चुरा ली रहे। पिछले माह 26 तारीख को जो है कनौजा स्कूल में एक चोरी की घटना की शिकायत हुई थी, उसकी कई बार संदेही की पत्रताश की गई। एक संदेही जो है रवि पटेल को पकड़ा गया था और रवि पटेल से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी जो है श्रवण पटेल और सुधीर नामदेव के साथ मिलकर जो है घटना करना कबूल किया है और रवि जो है पटेल से एक हाफ पावर की समर्सिबल पंप जो है बरामद हुई है, जिसे जब्त कर जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और माल बरामद किया गया है। सरकारी स्कूल में चोरी हुई है। जी हाँ, कीमत कितनी है? ये करीब 15,000 कीमती है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया। सिमरिया विधायक और जनपद सीईओ सिरमौर की ऑडियो वायरल होए के बाद मारपीट के मामला में विधायक केपी त्रिपाठी का आरोपी बनावे के मांग कलई के आप पार्टी के द्वारा जल सत्याग्रह शुरू कई दिन का हवे। यह जल सत्याग्रह बसावन मामा मकीन जात लग हवे। सत्याग्रह करे वाले कहिन के केपी त्रिपाठी का साजिश रचे के आरोपी बनावा जाए और उनकर गिरफ्तारी हुई। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी न हुई और आश्वासन नहीं मिलाए तब तक धरना प्रदर्शन जारी रही। आई अपना का दिखाई थे प्रदर्शनकारी का कहिन। विधायक जी का बहुत बड़ा यहाँ षड्यंत्र है और ये आए दिन इसी तरह घटना घटित होती रहती है। अब ये बताए कि जब एक कर्मचारी को इस तरह मारा पीटा जाता है तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे अत्याचारी विधायक का तत्काल गिरफ्तारी हो, यानी ये अनशन प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये जो मोदी जी की सरकार है ये गुंडों की सरकार है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब सावधान हो जाएं, चूंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। इस तरह से आप सिमरिया में देख रहे होंगे कि जिस तरह से केपी त्रिपाठी लगातार गुंडागर्दी आए दिन, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन किसी न किसी तरह की कोई घटनाएं नहीं आती हैं जो इनके द्वारा पाले हुए गुंडों द्वारा किया जाता है और इस पर प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लेती है। इनको प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है, होना चाहिए और धाराएँ लगनी चाहिए। और साथ में हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक विधायक के ऊपर FIR नहीं हो जाती है और ये अनवरत हम लोगों को चलता रहेगा। और इसके अलावा भी इनका पिछला रिकॉर्ड ट्रैंक है, ये रामानंद जी जो विराट न्यूज के संचालक हैं उनके ऊपर इन लोगों ने हमला किया। हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा सिमरिया से प्रमोद शर्मा जी के ऊपर इन्होंने हमला किया और लगातार कहीं ना कहीं चुटपुट वारदातें इनके आदमियों के द्वारा होती रही और FIR कहीं नहीं होते थे, क्योंकि ये अपने प्रभाव और प्रभाव का जो है तो इन्होंने इस्तेमाल किया। आर पार की लड़ाई होगी, हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक प्रशासन पूरी तरह से CEO साहब के ऊपर हमला करने वाले मेन विधायक के ऊपर FIR नहीं करती। तब तक हम लोग जल सत्याग्रह इसी तरह करते रहेंगे। हम लोग चूँकि 9 सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों के हाथ भी सिकुड़ रहे हैं, हम लोग बहुत सारे लोग डायबिटीज और BP के मरीज भी हैं, इसलिए प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। प्रशासन को भी हम लोग चिताना चाहते हैं, अगर कोई अप्रिय घटना घटती है इसके लिए पूरा जिला प्रशासन दोषी होगा। आज खातिर इतना, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।